हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल ईश्वर लर्निंग टीवी पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को न्यू ईयर के लिए ड्राइंग बनाना सिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इस ड्राइंग को आसानी से बना पाएंगे। मैं पूरे ड्राइंग को इजी स्टेप का यूज़ करके ही बनाता हूँ। तो दोस्तों, आप भी देखिएगा कि मैं किस तरह इजी स्टेप का यूज़ करके पूरे ड्राइंग को बनाता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप इजीली बना पाएंगे ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप पहली बार भी ड्राइंग बना रहे हैं तो आप आसानी से बना लेंगे। दोस्तों देखिए, हम किस तरह इजी स्टेप का यूज़ कर रहे हैं एक ह्यूमन बनाने के लिए जो उछल रहा है। ये बहुत ही इजी स्टेप है, इसे आप अगर पहली बार भी देखते हैं तो आप गारंटी बना लेंगे। पर आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, फिर आप इस ड्राइंग को बनाना के लिए ट्राई कीजिएगा। इस ड्राइंग को बनाने के लिए आपको HB पेंसिल का यूज़ करना होगा और आपको ड्राइंग को लाइटली बनाना होगा। आप इस ड्राइंग को 15 या 16 मिनट में आसानी से बना लेंगे और कलर भी कर लेंगे। आपको इरेज कर देना है जो एक्स्ट्रा लाइन है, फिर आपको जिस तरह हम लोगों ने शेप दिया है उस शेप में कर लेना है। हम लोग फिंगर बनाएंगे और देखिए कितना ही इजी स्टेप है ये फिंगर। बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप में मैं सिखा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि ये बहुत ही इजी स्टेप है और मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, ये बिल्कुल सही है। मैं बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप सिखाता हूँ, आप देख ही रहे हैं। और आगे पूरे वीडियो में और भी इजी स्टेप सिखाऊंगा कलर करने के लिए और सारे ड्राइंग के स्टेप को फॉलो करने के लिए। देखिए कितना इजी स्टेप है ये जो हम लोगों ने अभी किया है, इसका एक इजी स्टेप है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए कैसे करना है, ये देखिए, आपको पहले सर्किल करना है, फिर साइड से कट कर देना है। आप देख ही रहे होंगे, ये मैं बहुत ही इजी स्टेप बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। ये आप देख रहे हैं कितना इजी है ये। दोस्तों अब हमारा ड्राइंग जल्दी कंप्लीट होने वाला है, हम लोग इसके ऊपर कलर करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कलर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं क्योंकि कलर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मैं इसमें बहुत तरह के टिप बताऊँगा जिससे आप कलर को इम्प्रूव कर पाएंगे। ये देखिए कितना ईजी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ड्राइंग का, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स अब आपको डीप ग्रीन कलर का यूज करना है, देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद उसे आपको लाइट ग्रीन से मिक्स कर देना है। पहले आपको डीप ग्रीन का यूज करना है, ये देखिए हम लोग कर रहे हैं। फिर लाइट ग्रीन से इसे मिक्स करेंगे हम लोग। देखिए कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ही ईजी है और आपको थोड़ा लाइटली करना होगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे। अब इसे आपको टिश्यू पेपर या तो फिर सिंपल पेपर या तो फिर आप फिंगर से रब करेंगे। के ऊपर हम लोग अभी शार्प ग्रीन कलर करेंगे। शार्प ग्रीन कलर करना है हम लोग को इसके ऊपर, देख रहे हैं जैसे हम लोग। तो
और सार्फ ग्रीन को आपको ओलिव ग्रीन से मिक्स करना होगा, फिर आपको इसे रफ करना होगा। सार्फ ग्रीन हम लोग कर रहे हैं अभी, और इसके ऊपर हम लोग ओलिव ग्रीन करेंगे। ये देखिए हम लोगों ने पहले रब किया, फिर ओलिव ग्रीन करेंगे, फिर हम लोग इसे मिक्स कर देंगे। अब हम लोग डार्क वॉलेट का यूज़ करेंगे। डार्क बुलेट से हमें सब कुछ करना है। अब इसके ऊपर हम लोग स्काई कलर का यूज़ करेंगे। इसके ऊपर हम लोग पर्शियन ब्लू का यूज़ करेंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे करना है आपको, और पूरे वीडियो को देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस कलर को किससे मिक्स करना है। ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे हम लोग। अब हम लोग फ्लोरेसेंट येलो का यूज़ करेंगे, उसके ऊपर से ये शेप हम लोग पर्शियन ब्लू से करेंगे। देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा, देखिए पर्शियन ब्लू से इसका शेप देना है, और बहुत ही ज़्यादा इजी है ये सब। और मैं पहले ही बताया हूँ कितना इजी स्टेप से मैं सिखाता हूँ, तो आप देखिएगा पूरा वीडियो, आपको तब पता चलेगा कि मैं कितना इजी स्टेप बताता हूँ। अगर इसे आप कलर तो बच्चा भी कर लेगा जो नहीं जानता है ड्राइंग करना, अगर उसे आप पहली बार बताएंगे तो। अब हम लोग इसके ऊपर ये पर्शियन ब्लू ही कर रहे हैं, देखिए साइड से। इसके बाद लाइट ग्रीन से मिक्स करना है हमें। लाइट ग्रीन से ही मिक्स करेंगे हम लोग। ज़्यादा इजी है ये सब करना, कलर तो आप करना जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो को देखिएगा, मैं बताया हूँ सब कुछ कैसे करना है क्या चीज। अब डार्क ग्रीन से मिक्स करना है। इसके ऊपर हम लोग ब्लैक कलर से बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद हम लोग उसे मिक्स कर देंगे डार्क ग्रीन से। अब हम लोग ये 2020 10B पेंसिल से लिखेंगे। अब हम लोग विक्रीम ह्यू कलर के साथ ऑरेंज को मिक्स करेंगे। ये देखिए अब ऑरेंज को मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम लोग डीप ग्रीन को मिक्स करेंगे, और डीप ग्रीन को डीप येल्लो को मिक्स करेंगे। उसके बाद डीप येल्लो को मीडियम येल्लो से मिक्स करेंगे। हमें क्या करना है, विक्रीम ह्यूग, उसके बाद फिर हमें ऑरेंज, फिर डीप ग्रीन, उसके बाद मीडियम ग्रीन, और इसमें भी हम लोगों को सेम ही करना है और कुछ नहीं करना है।
जिस तरह हम लोगों ने पहले विक्रम यू का यूज़ किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑरेंज का यूज़ किया, फिर डीप ग्रीन का यूज़ किया और मीडियम येलो का यूज़ किया है, उसी तरह से हमें इसमें भी करना है। पहले डार्क टू लाइट ले जाना है इसे, जैसे डार्क हो गया विक्रम यू, उसके बाद फिर हो गया ऑरेंज, उसके बाद फिर डीप येल्लो, बार बार ग्रीन निकल जा रहा है, येल्लो होगा, येल्लो के बाद फिर मीडियम येल्लो, इसी तरह से करना है। ये देखिए कितना ही इजी हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप बाकी है, ये देखिए अब इसे हमें क्या करना है, ब्लैक कलर का यूज़ करना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर। मैं सारे कलर का नाम बता दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा कलर मैं कर रहा हूँ। अब इसे हमें पर्शियन ब्लू से कलर करना है और पर्शियन ब्लू को हमें स्काई ब्लू से मिक्स कर देना है। ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाना सिखाया है, इतना इजी तरीका कोई नहीं सिखाया है। फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस ड्राइंग को शेयर कीजिएगा। और जो हम लोगों ने ये जो भी ब्लैक कलर का यूज़ किया है, सारा हम लोगों ने 10B से किया है। अगर आपके पास 10B नहीं है तो आप ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप ये ग्लास मार्कर का यूज़ करें या फिर मार्कर का यूज़ करें, तो आपको ब्लैक कलर करना है इसमें बस, या पेंट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप इसी तरह के वीडियो देखेंगे। मैं सारा वीडियो बहुत ही ईजी स्टेप से सिखाता हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आप इस तरह के वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों हमारा ड्राइंग जल्द ही कम्प्लीट होने वाला है और ये भी अभी आगे स्टेप बाकी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होगा इस ड्राइंग के लिए, यही मेन इसका पार्ट है। जैसे आप देख रहे हैं आपको सब कुछ देखना है कि कैसे मैं कर रहा हूँ, यही अगर गलत हो गया तो आपका ड्राइंग पूरा ख़राब हो सकता है। तो इसे पूरा देखिएगा और आप बनाने का ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपका ड्राइंग एक ही बार में बन जाएगा। अगर आप ट्राई करेंगे तो गारंटी है ड्राइंग आपका एक ही बार में बन जाएगा और बहुत ही अच्छा बन जाएगा। देख रहे हैं अब इसका हाथ का एक तरीका होता है, टिप्स होता है, जिससे आप इसके फिंगर को बनाएंगे। पहले आपको सर्कल करना होगा, फिर जिस तरह से फिंगर है उसे उस तरह से निकाल देना होगा उसे। देखिए दोनों हैंड में वैसे ही करना है, फ्रेंड्स हम लोग का हो गया है ये। अब हम लोग बर्ड्स बना रहे हैं, तो देखें कितना इजी स्टेप है ये और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा काम। और ये सब आपको कुछ डेकोरेशन कर देना, कुछ लिख सकते हैं आप जैसे मैंने लिख दिया है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।